बिहार चुनाव में एक ओर जहां मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ एनडीए और महागठबंधन के बीच में है, तो वहीं इस बार उपेंद्र कुशवाहा, असदुद्दीन ओवैसी और मायावती का फ्रंट भी चुनाव में पूरा जोर लगाए हुए है। ग्रैंड सेक्युलर डेमोक्रेटिक फ्रंट के नाम वाला ये गठबंधन चुनाव में कोई कमाल कर पाता है या नहीं, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। मगर इतना तय है कि इस फ्रंट के चलते विरोधी खासकर महागठबंधन को जरूर नुकसान पहुंचेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस ग्रैंड सेक्युलर डेमोक्रेटिक फ्रंट का वोट बैंक अन्य पिछड़ा वर्ग, खासकर कुशवाहा, मुस्लिम अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति है। ये वोट बैंक आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और बीएसपी प्रमुख मायावती का बेस वोट है। इस चुनाव में एआईएमआईएम 18, आरएलएसपी 104 और 80 सीटों पर मायावती की पार्टी मैदान में है। इस गठबंधन के चलते आरजेडी, कांग्रेस और तीन लेफ्ट दलों के महागठबंधन का ओबीसी और अल्पसंख्यकों के समर्थन के आधार को नष्ट कर सकता है। खासकर किशनगंज, अररिया, सीमांचल और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे कैमूर के बक्सर बेल्ट में, तो वहीं इस फ्रंट के मैदान में होने से एनडीए की बाछें खिली हुई हैं। जानकारों की माने तो ये मोर्चा सीमांत नेताओं का एक गठबंधन है जिन्होंने अपना आधार खो दिया है और प्रदेश की राजनीति में अपरा संगत हो चुके हैं। बीएसपी और ओवैसी के साथ कुशवाहा का समझौता उनकी प्रासंगिकता को बनाए रखने की कोशिश है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इनके साथ आने से सामने वाले पर कोई असर नहीं होगा। एआईएमआईएम सीमांचल की कुछ सीटों पर धार्मिक लाइनों और स्थानीय मुद्दों पर अपनी राजनीति खेलकर प्रभाव डाल सकती है, मगर ये पूरे प्रदेश में अल्पसंख्यक वोटों को प्रभावित नहीं करेगा। हालांकि कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि कुशवाहा के मोर्चे में आने से गठबंधन को कुछ वैधता मिली है, लेकिन ये एक सीमांत बल बना रहेगा क्योंकि ये गठबंधन देर से बना और इसमें एक संगठनात्मक सेटअप का अभाव था। कई लोग इसे एक संभावित वोट विभाजन के तौर पर देखते हैं, जो सीमांचल और मध्य बिहार की कुछ सीटों पर आरजेडी और जेडीयू की संभावनाओं को बिगाड़ सकता है, क्योंकि दोनों का ही मुस्लिम वोटों पर भारी पकड़ है। हालांकि कुशवाहा, ओवैसी और माया की तिगड़ी बिहार चुनाव में किसके वोट बैंक में सेंध लगाती है, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट।